समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए चारों MLC के नाम फाइनल कर दिए हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, सोबरन सिंह यादव, सहारनपुर से शाहनवाज खान शब्बू व सीतापुर के जासमीर अंसारी का नाम शामिल है। स्वामी प्रसाद मौर्य, सोबरन सिंह यादव, सहारनपुर से शाहनवाज खान शब्बू व सीतापुर के जासमीर अंसारी नामांकन करने पहुंचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पहुंचने के बाद चारों उम्मीदवारों ने नामांकन कराया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत ही सीनियर नेता हैं। वो दोनों सदनों में और सदन में समय समय पर अपनी बात रखी है। उन्होंने वो सरकार के कामकाज को भी समझते हैं और वो लीडर ऑफ ओपोजिशन रह करके भी उन्होंने सरकारों को घेरने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में आज वो हैं। हमें खुशी है कि जनता की आवाज को, किसान मजदूर नौजवानों के सवालों को अपर हाउस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखने का काम करेंगे। सोबरन सिंह यादव ने अपने बजाय बेटे को टिकट दिलाया है। भारी मंथन के बाद अखिलेश यादव ने किसी स्वर्ण को टिकट नहीं दिया। जयशंकर पांडे, विनय शंकर तिवारी, पवन पांडे, अरविंद सिंह गोप आदि का नाम काट दिया गया। ओपी राजभर को MLC का उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में राजभर किसका सपोर्ट करते हैं। वैसे अखिलेश यादव का कहना है कि आने वाले वक्त में सभी साथियों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। मैं चारों लोगों को बधाई देना चाहता हूं और सहयोगियों को आने वाले समय में भी कोशिश करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। खबरें हैं कि ओपी राजभर को उम्मीद थी कि विधान परिषद की सीट के लिए उनका नाम भी फाइनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि पहले से शिवपाल यादव समेत कई नेताओं की नाराजगी झेल रहे अखिलेश यादव की मुश्किलें ओपी राजभर बढ़ा सकते हैं।